पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ राज्यों में शीतलहर भी चल सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में बीते कुछ दिनों से ट्रेनों और विमानों पर असर पड़ रहा है और ये असर जो है ये आगे भी जारी रह सकता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली और उत्तर भारत की ओर आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई जिले भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में। मौसम विभाग ने देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुड़की समेत कई जिलों के लिए कोहरे का और येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून से हमारे सहयोगी किशोर रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कई इलाकों में कोहरे की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम हो गई है, इसके अलावा जो ठंड है, खासकर सूखी ठंड, वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होने की वजह से ये सूखी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई ज़िले, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुड़की, हल्द्वानी और रुद्रपुर, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लगातार कोहरा छाया रहेगा और इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगर कोहरे की वजह से दिक्कतों का बात करें तो लोगों को आने जाने में, यानी सड़कों पर चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बारिश नहीं हो रही है, वो भी काफ़ी परेशानी का सबब बनी हुई है, खासकर काश्तकार और किसानों के लिए। अगर देहरादून की बात करें तो इस वक्त देहरादून में कोहरा काफ़ी छा रखा है। पूरे इलाके में सिर्फ कोहरे की सफ़ेद चादर ही छाई हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पिछले 3 दिनों से देहरादून में कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। और अगर हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर अन्य मैदानी ज़िलों की बात करें तो वहां पर भी कोहरे ने काफ़ी परेशानी खड़ी की हुई है, खासकर बुज़ुर्ग और बच्चों और महिलाओं के लिए। हालांकि अभी स्कूलों की छुट्टी है, लेकिन फिर भी लोगों को सुबह और शाम निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। एक, कोहरे की वजह से दिखना, सड़कों पर दिखना बंद हो रहा है, तो दूसरा, सूखी ठंड की वजह से लोगों को जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।